वचन सत्य वचन जीवन वचन हर घर में ईश वचन हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्या 43 से 54 तक। ईसा समारिया से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह प्रार्थना की कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, विश्वास असंभव को संभव बनाता है। यीशु यरूशलेम से लौटकर गलीलिया के काना नगर आते हैं। राजा हेरोद के दरबार का एक उच्च अधिकारी यीशु की खोज में कफरनाहम से काना 10 मील दूरी तय कर पहुंचता है। देखने में यह अधिकारी विनम्र एवं शांत स्वभाव का है। उसका बेटा कोई गंभीर बीमारी से मृत्युशैया पर है। बेटे का इलाज वह कई वैद्यों से कर चुका है, जिसका कोई अच्छा परिणाम नज़र नहीं आता है। वह बड़े विश्वास के साथ यीशु से निवेदन करता है कि वे चलकर उसे चंगा कर दें। यीशु जानते हैं कि चंगा करने के लिए उनका शारीरिक रूप से वहां मौजूद होना आवश्यक नहीं है। इसलिए उसके विश्वास के गहराई को समझते हुए उससे कहते हैं, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह अधिकारी निस्संदेह बिना कोई सवाल किए अपने घर की ओर लौट जाता है। रास्ते में ही उसके नौकर आकर
उसे यह संदेश देते हैं कि आपका पुत्र अच्छा हो गया है। यीशु जो कहते हैं वह सच है। हृदय के निर्मल ईश्वर का दर्शन करेंगे। विश्वास में दृढ़ और स्थिर अपने आँखों के सामने ही चमत्कार देखेंगे। सामारी प्रभु यीशु में विश्वास करते थे, गलीली भी प्रभु यीशु में विश्वास करते थे। दोनों इसलिए विश्वास करते थे क्योंकि उन्होंने स्वयं यीशु को ऐसा बोलते जब करते देखा या सुना था जिनका कोई जवाब नहीं था। वे उनके बातों को सुनकर और चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। आज के सुसमाचार का संदेश स्पष्ट है, यीशु जीवन, शाश्वत जीवन के स्रोत हैं। उन्होंने कहा भी है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। जब हम विश्वास में दृढ़ होकर अपने आप उनके पद चिन्हों पर मार्ग पर चलेंगे तो हमें अपार जीवन प्राप्त होगा, जैसे उस अधिकारी पुत्र को मिला। यीशु की उपस्थिति के लिए अपना दिल खोलें, यीशु के कार्यों को देखने के लिए अपनी आंखें खोलें, यीशु के शब्दों को सुनने के लिए अपने कान खोलें और यीशु के स्वागत के लिए अपना दिल खोलें। आमीन।